महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते है तुझ पास जीवन चल के प्यास एक ही तो है आस जग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमेन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7:37 वचन में पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप अपने जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की प्यास बुझाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको हमारा प्रेम भरा नमस्कार। जीवन जल कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और फिलेमन के पत्रिका अध्ययन करते वक्त एक विशेष विषय की ओर हम अपना ध्यान देते हुए इस अध्ययन को आगे जारी रखते हैं। आज यह उसका 3रा भाग इस पत्रिका अध्ययन करते वक्त हम देखना चाहते हैं, मसीह का अनुग्रह। सबसे पहले हमने देखा कि मसीह का अनुग्रह एक पापी के साथ कैसा व्यवहार करता है, लेकिन दूसरी बात आज हम देखना चाहते हैं, जिसके लिए आधार के तौर पर हम शुरुआत में वचन 9 और 10 पढ़ेंगे। आपके पास यदि पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप भी खोल सकते हैं। फिलिमन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका वचन 9 और 10। मैं अपने बच्चे ओनेसिमस के लिए जो मुझसे मेरी कैदी में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। प्रभु अपने पढ़े हुए वचनों के ऊपर अपनी बहुतायत की आशीष दे। द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेस ऑफ अ सिनर बट सेकेंडली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सिनर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ग्रेसेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सिनर। परमेश्वर का अनुग्रह ना केवल हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है एक पापी के साथ, बल्कि दूसरी बात परमेश्वर का अनुग्रह एक पापी का कैसे परिवर्तन कर सकता है। यदि इन पढ़े हुए वचनों के ऊपर आपने ध्यान दिया हो तो प्रेरित पौलुस ओनेसिमस के बारे में फिलेमन को लिख रहे हैं कि जब वो बेड़ियों में, कैद में, बंधुआई में, उसके साथ वहां पर जेल में था,
तब उसने अनुग्रह का सुसमाचार सुना, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, जिसने मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में बिचवाई का काम कालवरी के सलीब पर किया। उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए अपने बहुमूल्य लहू को वहां पर बहाया, और जिसके कारण वो अनुग्रह आज मुफ्त में सबके लिए उपलब्ध है। ओनेसिमस ने विश्वास किया, यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके अंगीकार किया। प्रेरित पौलुस के द्वारा अनुग्रह का सुसमाचार सुन के अब पौलुस कहते हैं फिलेमन को, ओनेसिमस का नया जन्म हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह, सबसे पहली बात बताऊं तो हमें नया जन्म, नया जीवन के अनुभव में लाता है। पौलुस जब कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री और उसका पांचवा अध्याय उसके 17 पद में ऐसे लिखा हुआ है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे नई हो गई। ना ना ना, लिखा है देखो वे सब नई हो गई। Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. The old has gone, passed away. Behold, everything has become new. सब नई हो गई। और ये नयापन का अनुभव, ये परिवर्तन का अनुभव, ये बदलावट का अनुभव पौलुस फिलेमन को ओनेसिमस के बारे में बताकर कहना चाहते हैं। क्या आप देखिएगा उसका 10वां पद, जब मैं कैद में था, मेरी कैद में जन्मा हुआ ओनेसिमस के लिए, जो मेरे बच्चे के समान है, मैं तुझसे विनती करता हूँ। धन्य है वे व्यक्ति जिन्होंने अनुग्रह के सुसमाचार को सुनकर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह, जिनके द्वारा यह अनुग्रह हमारे लिए आया है, विश्वास करके नया जन्म पाया, मतलब उद्धार हुआ, पाप क्षमा मिली, नजात मिली, मुक्ति मिली, छुटकारा मिला, जीवन परिवर्तन हो गया। परिवर्तन, 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 यही तो अनुग्रह का बड़ा काम आपके और मेरे जीवन में भी आज हो सकता है, यदि हम यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु कर ले तो। अब देखिएगा इस अनुग्रह के परिवर्तन का काम, नया जन्म, नई सृष्टि तो ठीक है, क्या आपने देखा इसके 7 बातें उनेसिम के जीवन से हमें दिखाई देती है, 7 परिवर्तन की बातें। सबसे पहली बात यदि मैं वहां पर देखूं तो उनेसिम अब एक नया व्यक्ति बन गया, ही बिकेम अ न्यू पर्सन। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखता है, सबसे पहली बात नया जन्म, नई सृष्टि होने का अनुभव कौन सा होता है मालूम है? वो व्यक्ति नया व्यक्ति बन जाता है। मतलब क्या? पहले देखा जाए तो ये ओनेसिमस एक पापी था, लेकिन अब नया व्यक्ति बना, मतलब क्या? अब उद्धार पाया हुआ हो गया, पाप की क्षमा मिली, प्राप्त की करके अनुभव में लाया गया। हमारा व्यक्तित्व बदलता है, हमारा व्यक्तिमत्व बदलता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार हमारे व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव करता है। He was changed in his person, a sinner, but now he is saved. Saved by the grace of God. आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, मेरे प्रियो, हमारे व्यक्तित्व को असल में बदलने के लिए हम कितने भी प्रयास क्यों ना करें, कभी नहीं हो सकता। हमने कितनी कोशिश की है, कितने क्या क्या प्रयोग नहीं किए हैं, सब कुछ करके देखा, लेकिन व्यक्तित्व जो अंदर से खराब है, मतलब पाप के बीज जहां पर है, जब तक वो नहीं निकलती है, पाप के फल तोड़कर कोई मकसद नहीं है। जहां पर बीज खराब है, वो बीज के साथ काम करना जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का सुसमाचार जो मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाता है, कहां पर? सबसे पहले उसके व्यक्तित्व में। हृदय नया, जीवन नया, परिवर्तन नया, बदलावट नया, कहां पर? पापी व्यक्ति अब उद्धार पाया हुआ, पाप की क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति बन जाता है। ही वॉज चेंज्ड इन हिज पर्सन। दूसरी बात हम देखते हैं, ही वॉज चेंज्ड इन हिज पाथ। ना केवल व्यक्तित्व में बदलावट, परिवर्तन, बल्कि उसके मार्ग में परिवर्तन। देखिएगा, अब तो बलवा करके, चोरी करके, अपने मालिक को धोखा देके, मालिक के घर से भाग रहा था, भाग निकल रहा था, दूर जा रहा था, छिपना चाहता था, अपने जो भी कुछ चोरी की थी उसका आनंद लूटना चाहता था, दूर जाना चाहता था, मालिक से दूर जाना चाहता था। देखिएगा, जा गया तो यहां उद्धार के अनुग्रह के अनुभव में जब आया, जानते हैं क्या, अब उसका रास्ता बदल गया। अब वो भाग नहीं रहा है दूर, लेकिन आ रहा है वापस उसी रास्ते के ऊपर,
अपने मालिक के पास। उद्धार का अनुग्रह हमारे जीवन में यही काम करता है, जहाँ पर हम गलत हो चुके हैं, जहाँ हमने गलती की है, वापस वहीं पर वो अनुग्रह ऐसा परिवर्तन करके लाता है, हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन, हमारे मार्ग में परिवर्तन। आज कितना दुख है कितने परिवारों में जिसने उसने अपना मार्ग पकड़ लिया है। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ के सुना दूं, नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसका 25वां पद। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ये मार्ग मुझे अच्छा लगता है, मैं जाऊंगा इसके पीछे उसके पीछे, ये करते हुए वो करते हुए, जाते 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 इतना समय दिया, इतना लगन दिया, इतना मेहनत किया, इतना कर्म किया, इतना दान दिया, इतना सब कुछ करते 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 उस व्यक्ति के पीछे हो या उस शक्ति के पीछे हो या उस काम के पीछे हो, लगन के साथ दौड़ते दौड़ते चले गए। यही सीधा है, यही सही है, यही योग्य है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब उनको पता चला कि अरे ये तो धोखा है, ये तो धोखाधड़ी हमारे साथ की गई है। मेरे प्रियो, कितना समय गया, कितना धन गया, कितना प्रयत्न गया, कितना व्यर्थ गया, कितनों ने हमें धोखा दिया है आप जानते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं आप जानते हैं, कितनों ने कितना कुछ ने अपना स्वयं का लूट दिया उनके ऊपर, लेकिन वो लूट गए ये बाद में उनको पता चला। ऐसा आपके साथ ना हो। इसलिए अनुग्रह का सुसमाचार मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन लाता है, एक उसके व्यक्तित्व में, दो उसके मार्ग में। ओनेसिमस अपने मालिक के से दूर भाग रहा था, लेकिन वापस मालिक के पास लौट कर आता हुआ हम देखते हैं। यही तो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर से दूर भागे हुए हैं वापस परमेश्वर की ओर आए। ये यीशु मसीह का चमत्कार आपके जीवन में आज हो सकता है, परिवर्तन आपके जीवन में आ सकता है। तीसरी बात को देखिएगा, ही वॉज changed in his person, he was changed in his path, he was changed in his principle. मतलब उसके तत्व में, उसके नियम में, उसके विचार धारणा में ये बदल गया। पुरानी विचार धारणा क्या थी, अब नई विचार धारणा क्या है। देखिएगा, पुरानी विचार धारणा अपने मन के अनुसार, विचार के अनुसार, सोच के अनुसार, धोखाधड़ी के व्यवहार के अनुसार, खुद के लाभ के अनुसार, मतलब के अनुसार, चोरी करने तक भी, धोखा देने तक भी, आगे पीछे न देखने वाला पुराना स्वभाव। लेकिन अभी कोई डर नहीं है, अब वो सब छोड़ दिया है, माफी परमेश्वर से मांगी है और माफी का खत लेकर अब अपने मालिक के पास जा रहा है। मालिक से भी माफी का अनुभव लेकर अपने जीवन में क्षमा प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके जीवन का तत्व बदल गया, नियम बदल गया, changed in his person, changed in his path, changed in his principle. चौथी बात देखिएगा, he was changed in his position. लिखा हुआ है, जैसे अभी हमने पढ़ा, अब तो पहले वो तेरे लिए एक दास के समान था, 16 पद में हम पढ़ते हैं, लेकिन अब दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो शरीर में भी और विशेषकर प्रभु में भी मेरा प्रिय हो। पहला स्थान क्या था, पहला पोजीशन क्या था, दास, गुलाम, घर का नौकर था। अब उद्धार के अनुग्रह का स्पर्श करने के कारण दास नहीं बल्कि भाई, केवल भाई नहीं तो प्रिय भाई, नजदीक का भाई, एक करीबी, परमेश्वर के परिवार में उसके जैसा जन्मा हुआ भाई। क्या परिवर्तन है मेरे प्रियो, ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह एक व्यक्ति के जीवन में कर सकता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सिनर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आप देखिएगा उसकी पांचवी बात को वहां पर लिखा हुआ है, ही वॉज चेंज्ड इन हिज पर्पस। क्योंकि वही तो बात हमने पढ़ा, कहां पर, इस पद को जब हम याद करते हैं, 11 पद को देखिएगा, उसका पर्पस, उसका उद्देश्य में वो बदल गया। पहले तो वो तेरे कुछ काम का न था, अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का हो गया। अंग्रेजी में कैसे लिखा मालूम है, ही वॉज नॉट यूजफुल, ही वॉज यूजलेस, बट नाउ ही हैज बिकम यूजफुल बोथ फॉर यू एंड फॉर मी। यूजलेस बिकमिंग यूजफुल, उद्देश्य जीवन का बदल गया, उसके जीवन का पर्पस बदल गया। मेरे प्रियो, आज कितने लोग, कभी आपने सोचा ये परमेश्वर के लिए कभी जिंदगी भर में उपयोग में ना आने वाले लोग, कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है। क्या आज आपका उपयोग परमेश्वर के लिए होता है, क्या आप परमेश्वर के लिए काम में हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए, वचन के लिए, सेवा के लिए, आत्मिक बातों के लिए? क्या परमेश्वर आपके बारे में ये कह सकता है कि ये पहले बिना उपयोग का था लेकिन आज
परमेश्वर के उपयोग में आता है। क्या आज आपका जीवन प्रभु की बातों के लिए उपयोग में आता है या नहीं? क्योंकि क्यों ये कह रहा हूं, यहां की हुई हर बात जितना भी कमाया हो, जितना भी जमाया हो, जानते हैं क्या, ये सब कुछ आपको हमें छोड़कर जाना है। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर यदि हमने जमाया है, जहां पर यदि हमने भेजा है, तो वो किसी चोर के द्वारा ना चोरी किया जाएगा, ना किसी कीटक के द्वारा उसको खराब किया जाएगा, ना उसको कभी जंग लगेगी। वो है स्वर्ग में हमारा धन इकट्ठा करने के बारे में, जो हम इस संसार में प्रभु का नाम लेकर जी रहे ना, जो हम प्रभु के वचन के अनुसार सही जीवन बिताकर अनुग्रह का अनुभव का जीवन लेकर आगे बढ़ने वालों में से एक यदि है, तो हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा होता है, जहां पर ना चोर, ना कोई कीटक, ना कोई दिमग और ना कोई वहां पर जंग लग सकता है। एक दिन प्रभु के नाम में किए हुए हर काम का प्रतिफल हमको मिलने वाला है। एक प्रभु के नाम में पानी का गिलास भी क्यों ना किसी को दे, उसका भी प्रतिफल वहां पर लिखा जाएगा, वो हमें प्राप्त होगा। मेरे प्रियो, कितना हमने दिया, कितना हमने किया, कितना हमने क्या कुछ नहीं लुटाया। आपने किया, मैंने किया, हम सब ने किया, हम करते आते विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, आज न कल इसका प्रतिफल हमें प्राप्त होगा। लेकिन धोखाधड़ी के अनुभव में आके हमने कितने बार अपने जीवन में उस दुख का अनुभव किया। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आगे की बात को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। देख फिलेमन, ओनेसिमस का जीवन अब परिवर्तन हो गया है अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा। ना केवल अपने व्यक्तित्व में बदला, अपने मार्ग में बदला, अपने तत्व में या नियम में बदला, अपने स्थान में बदला, अपने उद्देश्य में बदला, लेकिन अपने प्राधान्यता में बदला। ही वॉज चेंज्ड इन हिज प्रायोरिटी। कैसे? क्योंकि पहले तो वो पाप के लिए, शैतान के लिए गुलाम करके अपने मन की अभिलाषा के अनुसार जीने वाला था, अब वापस आता है मालिक को क्षमा मांगकर सच्चे मालिक की सेवा करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो अपने धनी का आदर करता है, अपने शारीरिक जीवन में बिताते हुए जगह पर अपने ऊपर जो अधिकारी है उनके अधीनता में जो रहता है, बाइबल कहती है उनके अधीनता में रहो, ताकि उनके अधीनता में रहने के द्वारा हम बड़ा अधिकारी, सबसे महान अधिकारी, महान परमेश्वर के अधिकार के अंदर अपने आप को देखते। अब फिलेमन का जीवन में पौलुस बताना चाहते, ओनेसिमस का जो परिवर्तन हुआ है, उसने सबसे बड़े अधिकार, परमेश्वर के अधिकार को समझ लिया है, अपने आप को वो अधिकार के अंदर जिसने सौंपाया है, उसके जीवन में बाकी सारे अधिकार के अधीनता में वो अपना जीवन बिताता है। इसका मतलब क्या मैं कहता हूं, यदि आप पत्नी है तो पति के अधीनता में रहते, यदि आप बच्चे हैं तो अपने मां बाप के अधीनता में रहते हैं, यदि आप नागरिक है तो अपने समाज के अधिकारियों के ऊपर जो यहां पर हमारे लिए जो रखे गए उनके अधीनता में हम रहते, यदि आप कलेसिया में है तो अगुओं के अधीनता में रहते। ये अधीनता जो चार क्षेत्र मैंने बताए है, इनके अधीनता में रहने के द्वारा हम ये कबूल करते, दर्शाते कि अनुग्रह के द्वारा जो परिवर्तन हमारा हुआ है, जो हमारे जीवन में प्राधान्यता मिली है, बड़े अधिकार को समझने वाला ये छोटे अधिकार जो हमारे जीवन में दिए है, इसके अधीनता में जीवन बिताकर बड़े अधिकार के अधीनता में है, ये अपने जीवन से दर्शाते हैं। जब एक पत्नी अपने पति का आदर नहीं करती है, अपने परमेश्वर का आदर नहीं करती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पत्नियों अपने पति के अधीनता में रहो। जब पति अपने पत्नी के ऊपर प्रेम नहीं करता है, अपने शरीर के समान उसको नहीं समझता है, वो अपने ऊपर रहने वाले अधिकार को नहीं मानता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हे पतियों अपने पत्नी से प्रेम करो। कितना धोखाधड़ी आज परिवार में दिखाई देता है, मेरा मन तो रोता है मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी धोखाधड़ी घरों घरों में आजकल चल रही है। जवान बच्चे जब आज माँ बाप का आदर नहीं करते, उनको मुंह के ऊपर गलत शब्द बोलते, उनके विचार बहुत गलत फहमी में जाते हैं, माँ बाप को वो जिन शब्दों का वर्णन करके उनका जिक्र करते, दुख होता है उन बातों को सुनकर। लेकिन याद रखना, जवान भाई हो या बहन हो जो आज मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, देखिएगा जब अपने माँ बाप को हम नहीं मानते,
जिसने हमें सिरजा हम उसको नहीं मानते, अनुग्रह का स्पर्श हमें नहीं हुआ है। यदि सच में मसीह है, अनुग्रह का स्पर्श हुआ है, तो यह अधिकार के अधीनता में रहने वाला अनुभव आपके जीवन में रहेगा। आज अपने माँ से, अपने पिता से क्षमा मांगे, उनको कह दे कि आपके जीवन में यह गलती है, यदि आप वो करेंगे तो आप बड़ी अधिकार के अधीनता में अनुग्रह के स्पर्श के द्वारा लाए जाएंगे। याद रखना, ओनेसिमस का जीवन बदल गया था और इसलिए उसके जीवन का प्राधान्यता बदल गया। अब अपने अभिलाषाओं के लिए नहीं गुलाम रहेगा, अपने मालिक के पास जाकर क्षमा मांगा हुआ जीवन, परिवर्तन का जीवन अनुभव करके आगे बढ़ने वाला ओनेसिमस हमें दिखाई देता है। ही वॉज चेंज्ड इन हिज पर्पस बट फाइनली ही वॉज चेंज्ड इन हिज प्रॉस्पेक्ट्स। उसके भविष्य में वो बदल गया। क्यों? क्योंकि उसके बारे में लिखते वक्त इस प्रकार से प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्या अब तो ये तेरे लिए इस प्रकार से, मेरे लिए इस प्रकार से, लेकिन क्या लिखा है जानते? उसके बारे में बताते वक्त ऐसे लिखते हैं कि अब जो काम उसके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा किया गया है, याद रखना 15 पद में लिखा हुआ है कि तुझसे वो थोड़े समय के लिए दूर या अलग किया गया ताकि तेरे निकट रहे, नहीं सदैव तेरे निकट रहे। मतलब क्या? Eternally he shall be yours. इसका मतलब क्या? ना केवल इस भूमि पर, धरती पर, संसार में, ना ना, हमेशा के लिए संसार में छोड़कर भी चले जाए, उस प्रभु के साथ में हमेशा के लिए रहने के लिए कितना बड़ा अनुग्रह का काम है, कभी आप सोच भी सकते हैं? मेरे प्रियो, कृपया ध्यान से सुनिएगा, अनुग्रह, मसीह का अनुग्रह एक पापी का कैसे परिवर्तन करता है, 7 बातें मैंने बताई, और इन 7 बातों के अनुसार प्रभु का अनुग्रह आज आपके जीवन को छूकर, मेरे जीवन को छूकर परिवर्तन लाना चाहता है, बदलावट लाना चाहता है। ये बदलावट केवल बोलने के लिए नहीं, प्रचार के लिए नहीं, ये जीवन का बदलावट है। ये बदलावट जिसके जीवन में आया है, अनुग्रह का स्पर्श जिसको हुआ है, उसके जीवन में ये 7 बातें निश्चित दिखाई देती है। जानते हैं क्या, ये संसार छोड़कर तो हम जाएंगे, लेकिन हमारे लिए अनंत काल का प्रॉस्पेक्ट्स, भविष्य नियुक्त करके रखा हुआ है। प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु के साथ हमेशा आनंद मनाएंगे। क्या आप ऐसे अनुग्रह से वंचित रहना चाहेंगे? क्यों? अभी आप आए, अनुग्रह आज अपना दरवाजा खुला करके आपको पुकार रहा है, आपको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह वो अनुग्रह का दर्शन है। यदि आप उनको अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके मानेंगे, तो यदि आप कहते हैं कि आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उनको अपना प्रभु और मुक्तिदाता अंगीकार किया, तो पौलुस जो यहाँ उसके परिवर्तन के बारे में एक वाक्य लिखते हैं, सुनिएगा 11 पद में क्या लिखा है। वह, मतलब ओनेसिमस, तो पहले तेरे कुछ काम करना था क्योंकि धोखाधड़ी की थी, लेकिन अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का हो गया। क्या परिवर्तन है? कभी सोचा आपने? जब इस 11 पद को पढ़ता हूँ, 4 परिवर्तन की स्थिति को समझता हूँ। 1, ऐसे लोग जो कभी भी अपने जीवित काल में परमेश्वर के लिए उपयोग में न आए, कभी भी उपयोग में या काम में न आने वाले लोग। क्या आप इसमें से एक है? अभी तक कभी परमेश्वर के बारे में सोचा नहीं, विचार नहीं किया, आज प्रभु आपको बुला रहा है। ऐसा गट जो कभी भी प्रभु के लिए काम में ना आए। दूसरा गट क्या है? जो अपने लड़कपन के जीवन से लेकर अपने बुढ़ापे तक, अपने मरने की अवस्था तक प्रभु के लिए काम आने वाले। कौन था? शमूएल को हम देखते, बालक था, प्रभु के मंदिर में लाकर छोड़ा, परमेश्वर से प्राप्त किया हुआ, परमेश्वर के लिए जीवन बिताकर अपने जीवन के अंत तक, बचपन से या लड़कपन से अपने मृत्यु तक प्रभु के लिए उपयोग में, काम में आने वाला व्यक्ति। 1, कभी न काम आने वाला, बहुत भयंकर है। 2, अपने लड़कपन के दिनों से अपने बुढ़ापे तक, अपने मृत्यु के समय तक प्रभु के लिए काम आने वाला। तीसरा कौन सा है जानते? यही 11 पद में पढ़ा, जो काम का न था अब काम का हो गया, उपयोग में न था उपयोग में आ गया। मैं अपने आप को उस गट में पाता हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन चौथा गट बहुत भयंकर है, जो कल काम में थे आज बिना उपयोग के, बिना काम के निकम्मे हो चुके हैं। ऐसे गट में कभी ना आना। पहले बहुत कुछ करते थे प्रभु के विषय में, वचन के विषय में, आत्मिक बातों के लिए लगन, तन, मन, धन से जाते थे, लेकिन आज बिना किसी उपयोग के। ऐसा कभी आपके साथ, मेरे साथ ना हो। मेरे प्रियो, प्रभु इन बातों से आपसे, हमसे सच में अनुग्रह का स्पर्श करे और ये परिवर्तन का जीवन प्रभु के लिए सच में जीवन बिताकर, जैसे ओनेसिमस के जीवन में ये 7 परिवर्तन, वही परिवर्तन आपका, मेरा कैसे दिखाई देगा? जो हम काम के ना थे, अब नया जन्म पाने के कारण, अनुग्रह के कारण प्रभु के काम के लिए आए।
प्रभु ये समझने के लिए हमारी सहायता करे और इन विचारों के अनुसार जीने के लिए प्रभु आपको हमें अपना अनुग्रह दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु हम सबको आशीष दे, आमेन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना विषय को बांटना चाहते हैं तो हमसे निसंदेह संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SYS रोड पोस्ट बॉक्स नंबर 19161 प्रभा देवी मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 09892580744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस jeevanjaltv@YouTube। जीवन जल के कार्यक्रम को देखने के लिए हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।